हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द कोर्स ऑफ css3। हमने अभी अपनी लास्ट वीडियो में 2D ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सीखा था और इस वीडियो में हम 3D के बारे में बात करेंगे। 3D ट्रांसफॉर्मेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, तो 3D के अंदर हम रोटेशन मेथड की बात करेंगे कि जिस तरह से हम 2D ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रोटेट मेथड यूज कर रहे थे, जिससे कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर अपने एलिमेंट को HTML एलिमेंट को रोटेट कर पा रहे थे। इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे 3D ट्रांसफॉर्मेशन के रोटेट मेथड की, जिसमें हम 3 एक्सिस पर हम रोटेट करा सकते हैं, एक्स एक्सिस पर भी, वाई एक्सिस पर भी और जेड एक्सिस पर भी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कोड है और ये हमारा जो वेब पेज है उसका लेआउट है। ठीक है, तो यहीं पर हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह से प्रॉपर्टी कॉल करेंगे ट्रांसफॉर्म, और उसके बाद हम मेथड यूज करेंगे रोटेट, और यहाँ पर एक्सिस दे देंगे रोटेट, एक्स एक्सिस पर हमें कराना है। और सपोज अब हम इसको 180 डिग्री पर रोटेट कराना चाह रहे हैं, तो 180 डिग्री कंट्रोल एस, और यहाँ आप देखिए आप अपने पेज को जैसे रिफ्रेश करेंगे, ये 180 डिग्री पर पूरा पूरा रोटेट हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, दूसरी चीज, अगर इसी को हम वाई एक्सिस पर 180 अगर हमें रोटेट कराना है, सबसे पहले मैं इसको बंद कर रहा हूँ और इसको आप ओरिजिनल में पहले दिखा देता हूँ। ये ओरिजिनल है, अब मैं इसको वाई एक्सिस पर रोटेट कराने जा रहा हूँ। ठीक है, ये वाई एक्सिस पर रोटेट हो जाएगा कंट्रोल एस, और ये रोटेट हुआ, तो ये वाई एक्सिस पर पूरा पूरा 180 डिग्री रोटेट हो रहा है। उसी तरह से अगर हमको जेड एक्सिस पर रोटेट कराना है, तो जेड एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, सपोज यहाँ पर हम लिखेंगे जेड, और यहाँ मान लीजिए हम 90 डिग्री पर रोटेट कराना चाह रहे हैं, तो कंट्रोल एस और यहाँ आके इसको रिफ्रेश करना है, तो जेड एक्सिस पर 90 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा। ओके, बाकी मेथड्स जैसे हमने 2D के अंदर पढ़े थे, सेम यहाँ पर भी अप्लाई होंगे। हम स्केलिंग कर सकते हैं, तीनों एक्सिस पर स्केलिंग कर सकते हैं, एक्स पर भी, वाई पर भी, जेड पर भी। उसी तरह से हम स्क्वाइंग कर सकते हैं, एक्स वाई जेड तीनों पर। उसी तरह से हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं, एक्स वाई यानी ट्रांसलेट कर सकते हैं, एक्स वाई जेड तीनों पर, है ना। तो ये सारे वन बाय वन हम चला सकते हैं। मैंने एक मेथड आपको बता दिया है, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में सारे बताए थे उसी का रोटेट का यहाँ पर तीनों एक्सिस पर करके बता दिया है, आप वन बाय वन सबको चलाकर देख सकते हैं। तो ये था 3D ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय, टेक केयर।